खुद मरना पड़ेगा भाई, ये लोग मुझे नहीं बचाएंगे। तो रोज ऐसा एक्सरसाइज करता है, दुनिया को डराते रहता है। इधर का वो भाई समझता अपना गली का, अरे नादिर खान छुपा के रखेगा ना, कभी दिखने वाला नहीं, ऐसा होता ही नहीं। वो तो इट इज द लॉ ऑफ कर्म, कर्म का लॉ है। तुम गलत करेगा तेरा गलत होएगा ही होएगा। तो आइए चलते हैं हमारे जबरदस्त एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है जबरन कब्जा। ये नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि किसी चीज पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है, और ये सही है। विरार पूर्व में बिल्डर और उसके साथियों ने मिलकर एक व्यक्ति को झूठे वादे कर उसकी जमीन हत्या ली। इतना ही नहीं, इस पर अनाधिकृत इमारत भी खड़ी कर दी। हम आपको डॉक्यूमेंटल प्रूफ द्वारा ये समझाएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। ये बिल्डिंग है जहरा मंजिल अब्बास मंजिल, और ये है वसई विरार शहर महानगर पालिका की तरफ से दी गई CC यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। अब जरा इस पर नाम देखिए, इस पर नाम है मिसिस जहराबाई अब्बास भाई एंड 4 others, यानी जहराबाई अब्बास भाई और 4 अन्य। अब जरा इसकी डिटेल्स पर आते हैं। डिटेल्स में ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, इसके 2 विंग बनाए गए और इसकी अनुमति है स्टिल्ट प्लस ग्राउंड प्लस 3, और इसमें 17 फ्लैट्स बनाने की अनुमति है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विंडो में, ये इमारत 4 मंजिला की बन चुकी है। ज़रा गौर से देखिए अनुमति और हकीकत का फर्क। वसई विरार शहर महानगर पालिका के मुख्यालय के पास है ये इमारत। अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जब इस इमारत को लेकर शिकायतें वसई विरार शहर महानगर पालिका में बढ़ने लगी, तो VVCMC ने भी सोचा कि कदम उठाना चाहिए, और जो कदम उन्होंने उठाया यह देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको हमने वसई विरार शहर महानगर पालिका की तरफ से जारी की गई कमेंसमेंट सर्टिफिकेट दिखाई थी, जिसमें जहराबाई अब्बास भाई और 4 अन्य के नाम थे। लेकिन अब जरा FIR देखिए। जब FIR दर्ज की गई तो इसमें सिर्फ एक ही नाम था, और वो था जहराबाई अब्बास भाई पत्रावाला का। बाकी नामों पर 16 फरवरी 2016 से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जब वसई विरार शहर महानगर पालिका के पास इस शिकायत को लेकर जाया जाता है तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है और पुलिस को करना चाहिए, और जब पुलिस स्टेशन में इसकी तहकीकात की जाती है तो वो कहते हैं कि वसई विरार महानगर पालिका को सारे दस्तावेज देकर हमें उनके नाम देने चाहिए। अब आप ही समझ लीजिए कि ये कार्रवाई कहाँ पर रुकी है। जहराबाई अब्बास भाई पर FIR करने की एक ख़ास वजह भी थी। जहराबाई एक सीनियर सिटीज़न थी और ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। बाकी बचे लैंड ओनर्स और बिल्डर डेवलपर्स सभी मजे से अवैध निर्माण कर घूम रहे हैं, और इतना ही नहीं, पड़ोस में रहने वाले टोनी विंसेंट नामक व्यक्ति की जमीन पर जबरन कब्जा कर अब उसे धमकाया जा रहा है। आप खुद ही सुने उनसे किए गए धोखे की दास्तान। जबरन कब्जा। दिस इज माई एंसेस्टर प्रॉपर्टी, एंड इवन बिफोर आई टेल यू अबाउट इट, आई वुड लाइक टू थैंक टेलका न्यूज इंडिया एंड द एंकर बिलाल शेख ऑल्सो फॉर टेकिंग द ट्रबल to listen to what I say and to help me to get justice, to see that me and my family get justice. Okay, initially mamla aap jaise hindi mein pooch rahe the, meri purkhojon ki zameen hai, means my ancestral property, in the sense that ki mera daddy us time pe kaam pe jata tha Britannia biscuit company mein, to kaisa bhi karke chota chota piece karke idhar ka bhi, ye jo nadir aur ek khoju aur unke associates hai unke udhar bhi ek jagah mera plot tha, upon which Nadir Khan, Mr. Khojo Patrawala and their friends and associates, they have got together and they have built on that land. आपकी जमीन? मेरी जमीन पे। और जब भी काम चालू किया मैंने उनके साथ बातचीत किया, दोनों के साथ, नादिर के साथ, खोजम के साथ भी, उनके साथ भी, तो वो लोग बोले डरना नहीं, आप रिश्तेदार है, आजू बाजू में रहते हैं, हम जरूर तुमको देंगे। क्या कुछ तय हुआ था? हाँ तय हुआ, कितना पैसा मांगता है, तो मैंने 25 लाख बोला। अभी वो लोग तैयार हो गए और वो लोग बोले जरूर जरूर देंगे, क्योंकि हमारा इतना इतना हम लोग कमाने वाले, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये लोग आजू बाजू के चीटर नहीं करेंगे।
लेकिन अब तो मामला पूरा उल्टा हो गया है। बीच में मांगने को गया, मैं बोला लिखा पढ़ी करो, बोला करेंगे, फिर मांगने को गया, फिर बोलता है कोविड आया, फिर मांगने को गया, फिर बोलता है अभी ठंडा ठंडा है। अभी जब उनका क्लियर हो गया सब, मेरे को बोलता है तू कौन है रे नादिर, बोल क्या बोलता है तू कौन है, हम नहीं जानते जमीन वमीन कुछ नहीं। जो डेवलपर है लैंड ओनर है उनसे बातचीत हुई? एक दो बार उसके दुकान पे गया था, उसका बेटा था, है टोल्ड में दैट टाइम कि वो मुझे आपके डैडी के साथ बात करने गए। मैं बोला मैं पेपर दिखाता हूँ। मैंने उसको घर पे बुलाया था, मेरे मिसेज के साथ बिठाया, उसको समझा, उसको बोला ये जगह है, सब कागजात मेरे पास है, सुनने को तैयार ना, ऐसे ही निकल गया। बाद में उसने ऐसे ही बांधा, अभी उसको कागजात निकालने को गया, दादागिरी दिखाता है, बोलता है क्या समझता है, जो करने का है कर, हम लोग नहीं देंगे पैसा, ऐसी बात हो गई है। अभी वो लोग गए, बोले हम VMC हमारे किस्से में, VMC किस्से में, हाँ VMC में, बोला पुलिस स्टेशन करेगा, मैं न्यायिक ले लेगा, VMC में बोलेगा, अनाधिकृति बांधकाम में कंप्लेंट करेगा। बोलता है क्या है VMC हमारे किस्से में, देख मेरा ऐसा ही तीसरा चौथा मंजिला पड़ा है उधर इलीगल, अभी वो लोग लीगल बनाने वाले, अभी क्या चल रहा है क्या मुझे नहीं मालूम भाई, वो तो वो बोलता है। नाउ आई हैव फुल फेथ इन द सिस्टम, VVMC रेवे, पुलिस स्टेशन रेवे, अनधिकृति बांधकाम रेवे। आपने कहीं शिकायत की? यस, आई हैव कंप्लेन टू द पुलिस स्टेशन, देर इज अ केस बीइंग फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आई हैव गिवन द VVMC का वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड विच और ऑफिसर्स थे, क्या नाम है उनके, एग्जैक्टली वॉट ऑल एंड ऑल द ऑफिस, आई हैव गॉन द आई हैव सेंट माई मैन एंड आई हैव प्रेजेंटेड द पेपर, सही सिक्का का मेरे पास है, आप पूछेंगे बोलेंगे तो ज़रूर बताएंगे। और ये ज़मीन की भी, ज़मीन का कागजात ऐसा हेरा फेरी होता है, लेकिन जो TILR होता है ना, TILR, इट इज़ अ गवर्नमेंट सर्वे, इट इज एंड दैट इज, इट कैनॉट फिडल विद दैट, दैट इज फाइनल, आई शोड हिम दैट ऑल्सो, बट ही इज नॉट विलिंग टू गिव माई मनी। मतलब वो देखने के बावजूद भी वो मुकर गए? हाँ वो मुकर गए ना, वो उसकी दानत ही बिगड़ गई, उसको पैसा ही नहीं देने का। तो आपके साथ क्या मतलब, कोई गर्मी से बातचीत हुई, कोई धमकी? अरे धमकी क्या, जान से मारने की धमकी दे रहा, तू पहचानता नहीं, रोज ऐसा एक्सरसाइज करता है, दुनिया को डराते रहता है, इधर का वो भाई समझता है अपना गली का। कौन है? अरे नादिर खान, कितने कितने आजू बाजू के, अभी क्या बोलो, अभी इधर उधर में उंगली बताओ ना, पैसे का लेने देने में अभी खाया ऐसा बोलना अच्छा नहीं दिखता क्या, तो पैसे लेके लेने देने घसर पट्टी। वी ट्रस्ट VVMC, ओके, दे आर हायर ऑफिसर्स, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये लोग उनको खिला के बिगाड़ डालते हैं भाई। तो ये इस तरीके से अगर उनकी फर्दर, अगर उनकी नीयत भी अच्छी होगी कि हमको गलत नहीं करने का, लेकिन कोई तो आके तुम्हारे खिसे में ज़बरदस्ती डाले, अभी मेरे भी तुम बोलो तो आदमी को फिसल, यू दिस पीपल शुड बी केयरफुल, बिकॉज टुमारो एनीथिंग हैपेंस, उनके फैमिली का खाना पीने का वादा होएगा, इन लोगों को क्या पैसा इधर दिया उधर दिया उधर दिया। सो आई एम अपीलिंग ऑल्सो, आई नो तुम लोग अच्छे लोग है, गुड फैमिली पीपल, आई एम अपीलिंग, डोंट इनके नीचे आना ही मत, जो कायदे से है वो करो, और मुझे विश्वास है मेरी जगह, मेरी ज़मीन क्यों, मेरा डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों नॉट माई अर्निंग, माई फादर इज गिवन, सो मेरे जो धर्म गुरु गुरु है बोलता है तुमको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जो तुम्हारी नहीं है उसको तुमको डबल संभालने का है, कि तूने कोई मेहनत नहीं की, इसलिए बी केयरफुल, एंड दैट इज द रीज़न वाई आई एम फाइटिंग फॉर इट। आपने और किन किन को शिकायत की, क्या जो नगर सेवक हैं और जो होते हैं उन पर भी कहीं पर आप, या आपको भरोसा है यहाँ पर कोई आपकी मदद कर सकेगा अलावा? यस, ये एक्चुअली क्या है मालूम है, इधर के जो कॉरपोरेटर बोलता है ना, कॉरपोरेटर से बहुत प्रफुल्ल साने, एक्चुअली ममता मैडम है, लेकिन साने साहब लोग मानते अच्छे रैपो है, दत्ता भी। अभी आपका अगला कदम क्या रहेगा? सबसे फाइनल स्टेप आमरण उपोषण, दैट इज़ ऑल दैट फाइनली आई कैन डू। अभी मैंने जितने जितने जगह लेटर्स भेजने के थे, जितने सब लोगों को पूछने का था, कॉरेस्पॉन्डेंस करने का था, मैंने किया। आई इवन सेंट वन लेटर टू DCP, टू द DCP, द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP। भाई हम लोगों का रोज का पाला नहीं पड़ता, आई डोंट नो ऑल दीज बिग वर्ड्स, बट वी हैव सेंट इट टू हिम ऑल्सो, सो इट इज़ लाइक दैट, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। हाँ मरण उपोषण ही होएगा, अभी ये लोग नहीं तो फिर मुझे खुद मरना पड़ेगा भाई, ये लोग मुझे नहीं बचाएंगे तो, छुपा के रखेगा ना, कभी दिखने वाला नहीं, ऐसा होता ही नहीं, वो तो इट इज़ द लॉ ऑफ कर्म, कर्म का लॉ है, तुम गलत करेगा तेरा गलत होएगा ही होएगा।
एमएलए, आपने एमएलए फोर टाइम्स इलेक्टेड राइट ना, फोर टाइम्स आई हैव मेट हिम मेनी टाइम्स, आई हैव गॉन टू द ऑफिस, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, ही नोज माय वाइफ आल्सो, शी वाज इन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल गोविंदराव वर्तक, शी वाज अ इंग्लिश टीचर, ही ऑलवेज मेट हर इन द प्रोग्राम्स, ही ऑलवेज स्पोक टू, ही नोज माय फैमिली, राइट, तो आई हाईली रिस्पेक्ट हिम एंड ही इज नॉट गुड मैन, ही इज वेरी गुड मैन, और ऐसा नहीं कल आओ परसा होता है तो उसका लड़के लोग को बोला जा रहे अच्छा बक्का है ताबड़ो फैसला करूँ टा, दैट इज़ वॉट आई लाइक अबाउट हिम एंड हिज सन इज देयर टू हेल्प हिम, फैमिली पीपल आर देयर टू हेल्प, आई होप एंड प्रे इतेंद्र साहब आमच्यावर जरा लक्ष ठेवा, हम अभी विरार के किंग को इतेंद्र अप्पा जो है ऐसा मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से कि एवरीथिंग इज़ अंडर यू, यू कैन डेफिनेटली हेल्प मी और आप मुझे जरूर हेल्प करें, इतेंद्र अप्पा तुम्ही आमचे नेते आहेत, आता आम्हाला अपेक्षा आहे की तुम्ही आमची मदत जरूर कराल, थँक्यू, गॉड ब्लेस यू.